वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा जी, कल हम कर रहे थे बेटा हाउ एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े हमने? टेम्परेचर, पीएच, और थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहां तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एक और फैक्टर है बेटा विच अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में टोटल फोर फैक्टर्स आर गिवन, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे आपकी नोट्स वाली बुक में कुछ और भी फैक्टर्स गिवन है, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, नेक्स्ट फैक्टर एंजाइम कंसेंट्रेशन। एंजाइम कंसेंट्रेशन, पीछे हमने क्या पढ़ा? सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो, एंजाइम कंसेंट्रेशन में रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, जब हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं विच इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, इट स्टेडिली इंक्रीजेस। स्टेडिली का मतलब हुआ रैपिडली, रैपिडली इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स टिल अ सैचुरेशन इफेक्ट इज अटेन। देखो कल हमने एग्जाम्पल लिया बेटा, मैंने आपको समझाया था कैसे आपने याद रखना है। देखो, देयर आर 20 एंजाइम्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, उनको दे दिए 20 सबस्ट्रेट, ठीक है। तो देखो, सारे के सारे एंजाइम इन सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गए ना, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, मतलब जब सारे एंजाइम फुली यूज्ड हो गए, इसको हमने बोल दिया था सैचुरेशन इफेक्ट। दिस इज नोन एज सैचुरेशन इफेक्ट, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूं, मतलब मैंने सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ा के 20 से कर दी 30, ठीक है, तो क्या हमारे पास रिएक्शन रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम्स आर लिमिटेड, ठीक है। बट अगर मैं एंजाइम की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही हूं, ठीक है, सबस्ट्रेट हमारे पास ज्यादा पड़े हुए हैं, अगर मैं एंजाइम भी दे रही हूं, तो क्या होगा, रिएक्शन रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? अगर सबस्ट्रेट मैंने और प्रोवाइड किए, पहले तो एंजाइम नहीं थे, बट बाद में मैंने एंजाइम देना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करने के लिए एंजाइम मिल जाएंगे और रिएक्शन रेट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, आगे आओ, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, हर एक रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और साथ में आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इन एवरी रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, कौन कैटलाइज कर रहा है, एंजाइम कैटलाइज कर रहा है। अब देखो, अकमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, मान लो इस तरह की कोई रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास, हम एक वेसल में रिएक्शन करवा रहे हैं, एक बड़ा सा वेसल है, ठीक है, उसमें रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पे रिएक्शन हो रही है, अगर प्रोडक्ट यहीं पे ही अकमुलेट होता जा रहा है, प्रोडक्ट को हम बाहर नहीं निकाल रहे, ठीक है, अगर प्रोडक्ट यहां पे अकमुलेट होता जा रहा है, इट लोअर्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी अगर प्रोडक्ट यहीं पे ही अकमुलेट होता है तो, ठीक है। और अगर रिएक्शन होने के साथ साथ प्रोडक्ट साथ साथ में निकलता जाता है, बाहर हम निकालते जा रहे हैं साथ साथ में प्रोडक्ट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वैसी की वैसी चलती रहेगी। अगर प्रोडक्ट यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इट स्लो डाउन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नॉर्मली द प्रोडक्ट आर क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड रिएक्शन डज नॉट सफर। अच्छा, अगर प्रोडक्ट यहां पे अकमुलेट होता जाएगा तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन में हम इस तरफ से प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहेंगे, ठीक है, और जब प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, एंजाइम अपना काम करता रहेगा। क्लियर बेटा? एंजाइम कब काम करना रोक देगा, जब यहां पे प्रोडक्ट की अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जब प्रोडक्ट यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा,
पॉइजन्स एंड रेडिएशंस. तो देखो, देयर आर सम पॉइजन सच एज साइनाइड एंड रेडिएशंस. कुछ पॉइजन्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि साइनाइड, या फिर कुछ ऐसी रेडिएशंस भी हैं जैसे कि एक्सरे, विच डिस्ट्रॉय द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम. एंजाइम क्या है? इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड हुआ पड़ा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एंजाइम बोल रहे हैं, ठीक है. तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन्स भी होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशंस भी होती हैं, जो इस एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया साइनाइड, ठीक है, या फिर एक्स रेस. ये क्या कर सकती हैं? इस एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर को, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम कैसा हो जाएगा? इनइफेक्टिव. कैसा हो जाएगा बेटा? इनइफेक्टिव. क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? सर्टेन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस इन द लिविंग सेल इन एन इनएक्टिव फॉर्म. पीछे हमने किया था, याद करो पुत्र, उनके लिए हमने नाम यूज किया था जाइमोजेंस, याद है ना? ठीक है, जाइमोजेंस ये क्या थे? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. व्हाट आर दीज बेटा? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम. ठीक है, फिर इनके ऊपर कोई और काम कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे? एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे अपना वर्क करने के लिए. ठीक है, तो देखो, सर्टेन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस इन द लिविंग सेल इन इनएक्टिव फॉर्म एंड दीज आर कॉल्ड एज जाइमोजेंस या फिर प्रो एंजाइम्स, एंड दे आर मेड एक्टिव बाय द स्पेसिफिक आयन, स्पेसिफिक आयन और अदर एंजाइम. जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमने पढ़ा ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म एंड एक्टिवेटेड बाई एंटीरोकाइनेज. किसने एक्टिवेट किया था? एंटीरोकाइनेज. तो देखो, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक दूसरा एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटू ट्रिप्सिन. क्लियर बेटा? लेटर आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंजाइम एंटीरोकाइनेज, ये क्या बन गया बेटा? इट इज एक्टिवेटर. क्लियर बेटा? अब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी एनसीईआरटी में टोटल 4 फैक्टर्स आर गिवन, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड लास्ट वन क्या था? बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल जो क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, इनहिबिटर. इनहिबिटर, अब देखो समझो पहले पुत्र, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर मतलब रोकना, ठीक है, जो किसी चीज को रोक देता है, इनहिबिट करता है. ठीक है, तो देखो, देयर आर सर्टेन केमिकल्स जिनके बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, सर्टेन केमिकल्स विच रिड्यूस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. कुछ ऐसे केमिकल्स हैं बेटा, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करेंगे? एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी नीट में पूछा गया था. मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आया था. अच्छा, तो देखो, कुछ ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे, उन केमिकल्स को क्या बोला जा रहा है? इनहिबिटर बोला जा रहा है. क्या बोला जा रहा है बेटा? इनहिबिटर. ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, आगे देखो, द प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनहिबिशन. इनहिबिशन, ठीक है, एंड केमिकल इज कॉल्ड एज इनहिबिटर. और वो जो पर्टिकुलर केमिकल होगा जो रोकेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको हम बोल देंगे इनहिबिटर. ठीक है, तो इन इनहिबिटर को लेके यहां पे एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसका नाम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इनहिबिशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हम कहीं और भी यूज करते हैं. ठीक है, ये यूज भी होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखो, है ना. देखो, वर्ड से क्या क्लियर हो रहा है हमें? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, और कोई चीज इनहिबिट हो रही है, रुक रही है. ठीक है, जैसे देखो, समझो पहले,
नॉर्मली बेटा हमारे पास इस तरह से कोई एंजाइम पड़ा होगा विद एक्टिव साइट, ये क्या है इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। इस एक्टिव साइट पे आके कौन जुड़ता है, कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है, ठीक है। अब कोई केमिकल, कोई और केमिकल मान लो जो किसकी तरह है, सबस्ट्रेट की तरह ही है, ठीक है, पता नहीं चल रहा कि सबस्ट्रेट कौन सा है और दूसरा केमिकल कौन सा है, ठीक है, सबस्ट्रेट कौन सा है और दूसरा केमिकल कौन सा है नहीं पता चल रहा, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, ये केमिकल, ये पर्टिकुलर केमिकल यहां पे जुड़ जाएगा आके, ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह पे आके कोई और केमिकल जुड़ गया, ठीक है। तो देखो इन जनरल हमारे पास क्या बनना था, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स बन जाता है, ऐसे ही होता है। बट जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा ही नहीं इसके साथ तो हमारे पास क्या इस तरह का कंप्लेक्स बन के आएगा, नहीं बन के आएगा। और अगर ये कंप्लेक्स नहीं बनेगा तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समझ आई बेटा बात, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब फिर से देखो अब हम पढ़ रहे हैं कंपिटिटिव इनहिबिशन। देखो कंपिटिशन हो रहा है, किस किस के बीच में कंपिटिशन हो रहा है, सबस्ट्रेट और किसी केमिकल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, किस चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कंपटीशन हो रहा है, क्लियर बेटा, ठीक है। इन जनरल एक्टिव साइट पे बाइंड करना था सबस्ट्रेट ने, अब कौन बाइंड कर गया, कोई केमिकल बाइंड कर गया, ठीक है। और जब सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आना था, बट जब हमारे पास सबस्ट्रेट यहां पे जुड़ ही नहीं रहा है एंजाइम के साथ तो प्रोडक्ट कहां से आएगा, मतलब कोई चीज रुक रही है, देयर इज इनहिबिशन ऑफ द क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपिटिटिव इनहिबिशन, दिस इज नोन एज कंपिटिटिव इनहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक बार देखो जरा, समझ आ गया, कोई डाउट तो पूछो, शाबाश। देन बेटा अब देखो, आ जाओ जरा थ्योरी की तरफ। दिस इज ब्राउट अबाउट बाय अ सबस्टांस विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई ऐसा सबस्टांस जो बिल्कुल किसकी तरह है, सबस्ट्रेट की तरह है इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंपिटिटिव इनहिबिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्कल कर लो बेटा, डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज कंपिटिटिव इनहिबिटर, क्लियर बेटा। कोई ऐसा सब्सटेंस विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज कंपिटिटिव इनहिबिटर, क्या बोला जाता है इसको, कंपिटिटिव इनहिबिटर। हाँ जी बेटा देखो, जैसे डायग्राम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बेटा, ये मैंने बनाई डायग्राम ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम हमें पता है इट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एंजाइम का नाम आपने याद रखना है, कौन सा एंजाइम हम यहां पे ले रहे हैं बेटा, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था इस बार नीट में इससे रिलेटेड, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम, ठीक है। अच्छा इसके लिए सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, तो ये मैंने बना दिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ने यहां पे आके जुड़ना था इधर, ठीक है। तो इट इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सक्सिनेट, क्या नाम है बेटा, सक्सिनेट, क्लियर बेटा। अच्छा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस भी है यहां पे जो क्लोजली इसकी तरह रिजेंबल करता है, किसकी तरह बेटा, सबस्ट्रेट की तरह इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो भी हमने यहां पे बना दिया बेटा, दिस इज अनदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, और उसका नाम है मेलोनेट, क्या नाम है उसका,
मेलोनेट। ठीक है, तो देखो वैसे क्या होना था, इस सबस्ट्रेट ने यहां पे आके जुड़ जाना था, ठीक है, बट अब ये दोनों, ये क्या कर रहा है मेलोनेट, इसके साथ कंपटीशन कर रहा है यहां पे जुड़ने के लिए, और ये जाके यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कौन बेटा, मेलोनेट विच इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्या बोला जाएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, और एंजाइम के साथ आके कौन जुड़ गया बेटा, मेलोनेट की, मेलोनेट कौन जुड़ गया, मेलोनेट, ठीक है, ये है मेलोनेट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पहले क्या बन रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब ऐसा कुछ नहीं बना, ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ आके इनहिबिटर जब जुड़ गया तो इस इनहिबिटर ने क्या किया, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होगी, ब्लॉक होगी, किसके लिए ब्लॉक होगी, सबस्ट्रेट के लिए ब्लॉक होगी, पहले सबस्ट्रेट ने आके यहां पे जुड़ना था, अब ये सबस्ट्रेट यहां पे नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ये जो एक्टिव साइट है ये ब्लॉक हो चुकी है। क्लियर बेटा, दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन अटैच करेगा, कौन अटैच करेगा, मेलोनेट, ठीक है, और किसकी एक्टिविटी को रोकेगा, किसको रोकेगा, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को रोकेगा जिसने आके अटैच होना था एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट बेटा, इनहिबिटर कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, क्लियर ना, ये है इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच इज मेलोनेट, वो क्या करेगा, कंपटीशन करेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, किस चीज के लिए, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए विच इज प्रेजेंट इन द एंजाइम। सो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास अब ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बन गया बेटा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इंस्टेड ऑफ, क्या बनने की बजाय, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स डज नॉट यील्ड एनी प्रोडक्ट, जब इनहिबिटर इसके साथ जुड़ गया तो किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनना था, जब सबस्ट्रेट ने आके यहां पर जुड़ना था। ठीक है, जब सबस्ट्रेट ने आके यहां पर जुड़ना था तो प्रोडक्ट बनना था, बट अब नहीं बना प्रोडक्ट, क्यों नहीं बना, क्योंकि सबस्ट्रेट जुड़ा नहीं बेटा, यहां पे क्या जुड़ गया है आके, इनहिबिटर आके जुड़ गया है, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, दिस स्टॉप द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसने क्या किया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक दिया, किसने, इनहिबिटर ने इसके साथ जुड़ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम कर रहे हैं, मेलोनेट विच इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल सक्सिनेट, एनसर्कल कर लो सक्सिनेट, और सक्सिनेट के साथ लिख लो बेटा सबस्ट्रेट, इन स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ, किसको इनहिबिट करता है, एक्शन ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, एनसर्कल करो एंजाइम का नाम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। The competitive inhibition of enzyme activity is a reversible reaction. Means ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। अब देखो कैसे ये यहां से हट जाएगा, कैसे हटेगा, अगर substrate की concentration बढ़ जाती है, ठीक है, if there is increase in substrate concentration, तो इनहिबिटर जो यहां पे जुड़ा पड़ा है वो यहां से हट जाएगा, और कौन अटैच कर जाएगा, फिर सबस्ट्रेट अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट टर्न आउट द इनहिबिटर, टर्न आउट मतलब एंड अप द इनहिबिटर मेकिंग द एंजाइम अगेन एक्टिव, जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, तो यहां पे जो इनहिबिटर जुड़ा पड़ा है उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और कौन जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फॉर इनहिबिटर बाइंडिंग इज कॉल्ड एज के आई, अंडरलाइन कर लो के आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, साथ में लिखो बाइंडिंग एफिनिटी विद इनहिबिटर। क्या मतलब है इसका, बाइंडिंग एफिनिटी विद इनहिबिटर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर इनहिबिटर बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी विद द इनहिबिटर, ठीक है, इज कॉल्ड एज के आई। क्या बोलते हैं इसको, के आई बोलते हैं। अब देखो बाइंडिंग के आई क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी विद द इनहिबिटर, ठीक है। अ हाई के आई रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी, अगर बाइंडिंग एफिनिटी इनहिबिटर की विद द एंजाइम ज्यादा है, ठीक है, हाई के आई। अब देखो बाइंडिंग एफिनिटी विद द इनहिबिटर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर बाइंडिंग एफिनिटी विद द इनहिबिटर कम है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी, ठीक है। वाइल अ लो के आई अलाउ एंजाइम एक्टिविटी टू कंटिन्यू, बट कैसे बेटा, एट अ रिड्यूस्ड रेट, मतलब जितनी नॉर्मली एक प्रोसेस चल रही थी वैसे नहीं चल पाएगी, बट एंजाइम स्टिल अपना काम करेगा इफ बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ इनहिबिटर विद द एंजाइम इज लेस। क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, यहां पे एक लाइन और ऐड करो, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, किस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मैंने आपको बोला कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका आगे किसी चीज में यूज होता है, कहां यूज होगा। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। कहां पे यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये यूज होगा कहां पे यूज होगा, इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल लिख लो साथ में, ये देखो पेनिसिलिन, ठीक है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, दैट ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे देखो ये एक एंजाइम, ठीक है, यहां पे आके कौन जुड़ गया, पेनिसिलिन जुड़ गया, ठीक है, जो क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब इसने क्या किया, इसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, किसकी बेटा, एक एंजाइम की, ठीक है। दैट मैनी बैक्टीरिया यूज टू मेक दियर वॉल। अच्छा जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, जब बैक्टीरिया आगे अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया में भी सेल वॉल इज प्रेजेंट, मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो बैक्टीरिया बेटा इस एंजाइम को यूज करता है कहां पे, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अगर इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया जाए बाय द पेनिसिलिन, तो क्या बैक्टीरिया इस एंजाइम को यूज कर पाएगा, नहीं। देखो समझ आई बेटा बात, जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जब बैक्टीरिया आगे से आगे ग्रो करेगा, एक पैथोजन की तरह बैक्टीरिया काम कर रहा है, ठीक है, ग्रो करेगा मतलब बैक्टीरिया बनेगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल इज प्रेजेंट, अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया कहां बन पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस करता है, ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ पेनिसिलिन, जो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, किसके साथ, उस एंजाइम के साथ जिसको बैक्टीरिया यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अगर ये एंजाइम पे इनहिबिटर लग गया तो बैक्टीरिया इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, और भी एग्जाम्पल यहां पे गिवन है, देखो क्या क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्टैटिन, क्या एग्जाम्पल है बेटा, स्टैटिन, ठीक है, इसके साथ लिखो पहले तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग
एजेंट, कौन बेटा? स्टैटिन। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कौन करता है? स्टैटिन करता है। ठीक है, अच्छा कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, एक ईस्ट है जो इसको बनाने में हेल्प करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लस टू में फिर से आएगा आपको ये। क्या नाम है ईस्ट का? मोनेस्कस, मोनेस्कस परप्यूरियस, परप्यूरियस, मोनेस्कस परप्यूरियस इसका नाम है, मोनेस्कस परप्यूरियस। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा तो ये जो स्टैटिन है ये कैसे काम करता है, बना किससे, ये पता चल गया ना। ठीक है, हमने पढ़ा कि स्टैटिन क्या करता है, इट लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोल देते हैं। लोअरिंग एजेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो कैसे काम करता है, कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है? इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो, एक पर्टिकुलर एंजाइम जो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा तो एंजाइम के साथ आके कोई सब्सट्रेट जुड़ेगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो एंजाइम के साथ सब्सट्रेट को ये जुड़ने नहीं देता स्टैटिन। ठीक है, खुद जाके एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। मतलब स्टैटिन किसकी तरह काम करता है? एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है उस एंजाइम के साथ, जिसने आगे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन द लीवर, कहां पे ये प्रोसेस होनी है? लीवर के अंदर। सो एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो देखो, अगर स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर गया बेटा, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बना, मतलब ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में हेल्प कर रहा है इन द ब्लड। क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इट सपोर्ट लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या बोलता है? कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, किसकी तरह जुड़ते हैं? लाइक अ लॉक एंड की, लॉक एंड की। ठीक है, देखो ये लॉक है और इसके अंदर की तरह आके कौन फिट हो जाएगा? एक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या शो करते हैं? लॉक की हाइपोथेसिस। क्या शो करते हैं? लॉक की हाइपोथेसिस। ठीक है, इट शोज दैट सब्सटेंसेस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम। ठीक है, अब ये हमें ये और क्या चीज बताता है कि भले यहां पे आके कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ जाए, पर उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने के लिए यहां पे क्या चाहिए? सबस्ट्रेट ही चाहिए बेटा। ठीक है, एक्टिव साइड पे कौन जुड़ा होना चाहिए? ओनली सबस्ट्रेट। ठीक है, तो फिर से देखो, सब्सटेंसेस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम, नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम। एंजाइम उनके ऊपर काम नहीं करेगा। एंजाइम सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा? ओनली ऑन द सबस्ट्रेट। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट आते हैं बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अब ये क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट एंड डज नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जैसे देखो इस तरह से कोई एंजाइम, ठीक है, अब एंजाइम में तो हम अभी तक एक ही साइट पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली द एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट पे आके या तो कोई सबस्ट्रेट जुड़ेगा बेटा, ठीक है, या तो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके जुड़ जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, या तो सबस्ट्रेट या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दे हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ उनका कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है एंड डज नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट पे ये जुड़ेंगे भी नहीं जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, बट बाइंड टू सम अदर साइट ऑफ द एंजाइम। बट मान लो यहां पे भी कोई साइट बनी पड़ी है इसके लिए, ठीक है, किसी और साइट पे आके
जुड़ जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो एक्टिव साइट पे आके नहीं जुड़ेंगे, किसी और साइट पे आके जुड़ेंगे, दीज आर नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड स्टिल देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, पॉइजन का एग्जाम्पल ले रहे थे हम, साइनाइड, साइनाइड एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, मींस ये एक्टिव साइट पे आके नहीं जुड़ता है, ये किसी और साइट पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्या है बेटा ये, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फिर फीडबैक इनहिबिशन, क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फिर फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें आपने सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है, कुछ चीजें करनी है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन, पहले समझ लो अच्छी तरह से ये क्या है, पहले इसके साथ लिखो फीडबैक इनहिबिशन के साथ, एक्सेस प्रोडक्ट, एक्सेस प्रोडक्ट बाइंड टू देम, बाइंड टू देम एंड स्टॉप देयर एक्टिविटी टेम्परेरिली, एक्सेस प्रोडक्ट बाइंड टू देम, देम कौन, एंजाइम, एंड स्टॉप देयर एक्टिविटी टेम्परेरिली, ठीक है, समझो। अब पहले फीडबैक इनहिबिशन हमने इसको क्यों बोला, पुत्र कोई रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन बना रहा है बेटा प्रोडक्ट, एंजाइम बना रहा है, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है, हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया है, इनफ प्रोडक्ट है, अब और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब अब ये एंजाइमेटिक रिएक्शन जो चल रही है ये रुक जानी चाहिए, तो इसको कौन रोकेगा, फीडबैक जो आ रही है, फीडबैक, फीडबैक क्या हुआ, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, दिस इज फीडबैक, ठीक है। आगे क्या है, इनहिबिशन, अब यही प्रोडक्ट जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक्टिव साइड पे जाके कौन जुड़ गया, प्रोडक्ट जुड़ गया, ठीक है, और उसने क्या किया, रिएक्शन को रोक दिया, कैसे बेटा, नॉट परमानेंटली, टेम्परेरिली, कैसे, टेम्परेरिली इस रिएक्शन को रोक दिया, ठीक है। तो देयर इज इनहिबिशन बाय द फीडबैक, क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब रिएक्शन रुक रही है, किसने रोकी बेटा रिएक्शन, प्रोडक्ट ने रिएक्शन रोक दी, दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। अब समझो देखो, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फिर फीडबैक इनहिबिशन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले बेटा एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये कौन से एंजाइम्स हैं भाई, दे आर द एंजाइम्स विच हैव सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स जो चेंज करेंगे कुछ, That alter the conformation of active site. जैसे देखो इस तरह से, ये normal enzyme नहीं है, ये कोई different enzymes हैं, जिनके पास बेटा, जिनके पास active site के अलावा, ठीक है, ये मैंने बना दी, this is the active site. ये एक particular enzyme है, इस enzyme के अंदर ये एक active site है, ठीक है। अच्छा, तो ये वो enzyme है जिसमें एक्टिव साइट के अलावा और भी देखो साइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस साइट को हम बोल देते हैं साइट फॉर एक्टिवेटर, साइट फॉर एक्टिवेटर, आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज है, एंड दिस इज साइट फॉर, साइट फॉर इनहिबिटर, साइट फॉर इनहिबिटर। पुत्र एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर थ्योरी, Not for theory, ठीक है, लिख लो साथ में। अच्छा, तो देखो आप, एक ऐसा एंजाइम जिसमें एक्टिव साइट के साथ साथ और भी साइट्स पड़ी हैं, लाइक साइट फॉर एक्टिवेटर
एंड साइट फॉर इनहिबिटर. ठीक है, अब देखो, अब फिर पढ़ो. एंजाइम विच हैव सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स, तो इनको हमने क्या बोल दिया, मॉड्यूलेटर्स बोल दिया. दैट अल्टर द कंफर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट, ये क्या करेंगे, जब यहां पे आके कोई चीज जुड़ेगी, ठीक है, उसकी वजह से एक्टिव साइट की कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी. कैसे चेंज होगी, या तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, फंक्शनल, टू मेक इट इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब फंक्शनल, ठीक है, या तो एक्टिव साइट फंक्शनल हो जाएगी, या फिर एक्टिव साइट कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव मतलब नॉन फंक्शनल, या तो कैसी हो जाएगी, नॉन फंक्शनल. ठीक है, जैसे समझो, पहले जैसे मान लो यहां पे आके जुड़ गया एक्टिवेटर, नाम लिखे है ना यहाँ पे, साइट फॉर एक्टिवेटर एंड साइट फॉर इनहिबिटर. यहां पे एक्टिवेटर आके जुड़ गया, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया, एक्टिवेटर आके जुड़ गया. तो एक्टिवेटर ने क्या किया, एक्टिवेटर ने बेटा जो एक्टिव साइट थी उसकी कंफर्मेशन को चेंज कर दिया और कैसा बना दिया, एक्टिव, कैसा बना दिया, एक्टिव फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, ये जुड़ गया साथ में सबस्ट्रेट. ठीक है, एक्टिवेटर आया, एक्टिवेटर पहले एंजाइम के साथ जुड़ा, उसने क्या किया, इस एक्टिव साइट की कंफर्मेशन को चेंज कर दिया. पहले देखो, मैंने एक्टिव साइट ऐसे बनाई थी, अब ऐसे नहीं बनानी, अब मैंने ऐसे बना दी. ठीक है, ये मतलब कंफर्मेशन चेंज होगी, किसके लिए, फॉर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, किसके लिए, फॉर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. क्लियर बेटा, तो एक्टिवेटर एक मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, जिसने इस एक्टिव साइट को कंफर्मेशन को चेंज कर दिया, क्या बना दिया उसको, फंक्शनल. ठीक है, अच्छा अब देखो, ऐसा भी होता है यहां पे आके इनहिबिटर जुड़ जाएगा, एक्टिवेटर अगर ना जुड़ा तो इनहिबिटर जुड़ेगा, और यहां पे जो एक्टिव साइट है उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी और कैसी बन जाएगी, ताकि वहां पे सबस्ट्रेट ना जुड़ पाए, कैसी बन जाएगी, ताकि सबस्ट्रेट यहां पे ना जुड़ पाए, तो उसने क्या कर दिया, उसको नॉन फंक्शनल कर दिया. ठीक है, तो देखो, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट, इन एरियाज को जहां पे मॉड्यूलेटर बाइंड करेंगे इनको हमने बोल दिया एलोस्टेरिक साइट, और जिस एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होती हैं उसको हमने बोल दिया एलोस्टेरिक एंजाइम. द सब्सटेंसेस व्हिच कॉज चेंज इन एक्टिव साइट आर नोन एज मॉड्यूलेटर्स, जो एक्टिव साइट में चेंज कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर्स. दीज मॉड्यूलेटर्स आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, कौन कौन से हैं, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर. एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट इन सच अ वे दैट, सच अ वे एज टू मेक एक्टिव साइट ऑपरेशनल, ताकि एक्टिव साइट कैसी हो जाए, ऑपरेशनल. एलोस्टेरिक इनहिबिटर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एक्टिव साइट टू मेक इट नॉन फंक्शनल. एलोस्टेरिक इनहिबिटर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन एक्टिव साइट, चेंज इन एक्टिव साइट टू मेक इट नॉन फंक्शनल, जो मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, क्लियर बेटा. नाउ रेगुलेशन ऑफ सम ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे अकर बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इन सच केसेस एंजाइम दैट कैटलिस्ट द फर्स्ट स्टेप इन द मेटाबॉलिक पाथवे इज यूजुअली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है, दो एग्जाम्पल गिवन है बेटा आपकी बुक में, आपको सारे नहीं करने, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है जो आपको आता है पहले से ही, हम बार बार ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं. ग्लूकोज से, ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, ग्लूकोज से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन गया, कौन सी प्रोसेस में, इन ग्लाइकोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, अब आपको आता है बेटा हेक्सोकाइनेज, क्या नाम है एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम. ठीक है, अच्छा अब ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट मतलब फीडबैक है. ठीक है, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कॉजेज एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एक्सोकाइनेज. ये देखो, इस तरह से एंजाइम था, ठीक है, एंजाइम था, एंजाइम के पास ये एलोस्टेरिक साइट थी, ठीक है, और यहां पे आके सबस्ट्रेट जुड़ रहा था. ठीक है, सबस्ट्रेट कौन था बेटा, ग्लूकोज था. ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटर साइट है, इस एंजाइम को हमने क्या बोल दिया, एलोस्टेरिक एंजाइम. रिएक्शन कौन सी चल रही है,
ग्लूकोज, ग्लूकोज से आगे क्या बन गया, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो फीडबैक इनहिबिशन ये कैसे शो करेगा, जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है, जब बहुत सारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाएगा तो यहां पे वो इनहिबिटर साइट पे आके जुड़ जाएगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। ठीक है, जब वो इनहिबिटर साइट पे आके जुड़ा तो इसको हमने क्या बोल दिया, मॉड्यूलेटर बोल दिया। क्या बोल दिया, मॉड्यूलेटर बोल दिया। और इसने क्या किया, ये जो एंजाइम है मतलब हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज उसमें जो एक्टिव साइट थी जहां पे आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना था, ग्लूकोज ने आके जुड़ना था, उस एक्टिव साइट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, एक्टिव साइट अल्टर होगी ताकि ग्लूकोज यहां पे आके ना जुड़ पाए, ताकि बेटा ग्लूकोज यहां पे आके ना जुड़ पाए, तो एक्टिव साइट क्या होगी, अल्टर होगी। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। क्या बोल दिया इसको, फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, क्लियर बेटा। फिर से एक बार देखो बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम, हम पढ़ रहे थे बेटा एंजाइम्स। कल हमने किया था हाउ एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, किस तरह से एक एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है। तो उसमें हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हम शो कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो वो हमने ग्राफ के साथ इसको अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि एंजाइम किस तरह से अपना काम करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा क्योंकि हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट थी जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था। ठीक है, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट, और बाद में प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया था। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीजें पढ़ी। अच्छा, फिर हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था बेटा अबाउट द टेम्परेचर, हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिमम पीएच चाहिए। ठीक है, हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच पे ही काम कर पाएगा। ठीक है, अगर ऑप्टिमम वैल्यू से वैल्यू कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है तो दोनों दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर जैसे हम टेम्परेचर का एग्जांपल ले रहे हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाएंगे, टेम्परेरली इनएक्टिव, और बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम बिकॉज दीज आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर तो वो क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट। ठीक है, बाय द हीट। फिर हमने पढ़ा अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन इफेक्ट। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, जिसको हमने शो किया था बाई वी मैक्स, वी मैक्स। ठीक है, फिर हमने यहां पे एक Km भी पढ़ा था। Km क्या था, इट इज द मिकाइलिस कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया था, जहां पे जो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो हाफ हो जाएगी, दैट इज नोन एज Km वैल्यू। क्या बोला गया था उसको, Km वैल्यू। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो आज हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें भाई कोई सब्सटेंस था जो सबस्ट्रेट के तरह लग रहा था, वो क्या कर रहा था, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा था और उसी साइड पे जाके जुड़ रहा था जहां पे सबस्ट्रेट ने जुड़ना है। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया था, जिसको हमने क्या बोला था, कंपिटिटिव इनहिबिशन। एग्जांपल हमने लिया ऑफ सक्सिनेट, सक्सिनेट जो एक सबस्ट्रेट है उसकी तरह एक और सबस्टांस कौन है, मेलोनेट। तो मेलोनेट कंपटीशन कर रहा था सक्सिनेट के साथ एक्टिव साइट के लिए, विच इज प्रेजेंट ऑन द सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एंड नाउ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोई तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। क्लियर बेटा।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर हम पढ़ रहे थे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। मीन एक ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनमें कोई और साइट्स भी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर साइट्स। तो यहाँ पे हम दो तरह के मॉड्यूलेटर्स पढ़ रहे थे, वन इज एक्टिवेटर, सेकंड इज इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या थे, एक्टिवेटर एक साइट पे जाके जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे, एक्टिव साइट को चेंज कर देंगे ताकि वहां पे सब्सट्रेट आके जुड़ जाए। जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर साइट पे जुड़ेंगे और एक्टिव साइट को चेंज कर देंगे ताकि वहां पे सब्सट्रेट ना जुड़ पाए। एक एग्जांपल हमने इसमें लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज से आगे क्या बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। ठीक है, तो यहां पे जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये टेम्परेरली इनहिबिटर साइट पे जाके जुड़ जाता है और एक्टिव साइट को चेंज कर देता है ताकि ग्लूकोज यहां इस एंजाइम के साथ जो कि हेक्सोकाइनेज है उसके साथ ना जुड़ पाए। क्लियर बेटा? ठीक है, अब देख लो इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क। ठीक है, तो बाकी बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।